ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे। नेल्सन मंडेला जी ने कहा है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। मलाला यूसुफजई के अनुसार एक किताब, एक बच्चा, एक कलम और एक शिक्षक दुनिया बदल सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि जो शिक्षित है वो गरीब नहीं है, इसलिए चाहे आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अनुसार शिक्षा एक मूलभूत मानवाधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2015 में निर्धारित किए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुसार 2030 तक विश्व के हर बच्चे के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। वैश्विक स्तर पर शिक्षा को इतना बढ़ावा देने के बावजूद अब भी पूरे विश्व के 250 मिलियन से ज़्यादा बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते। 5 से 17 वर्ष की आयु वाले 150 मिलियन से ज़्यादा बच्चे बाल श्रम के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान इस इच्छा के साथ लागू हुआ कि आने वाले 10 वर्षों में 14 वर्ष तक का हर बच्चा शिक्षा की पहुंच में होगा, स्कूल में होगा। लेकिन बच्चों को यह अधिकार देने में हमें पूरे 60 साल लग गए। 1 अप्रैल 2010 को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का कानून यानी RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट पर अमल शुरू हुआ। परंतु इस लक्ष्य में हम कितने सफल हुए, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की विभिन्न रिपोर्ट्स पर गौर करें तो RTE लागू होने के बाद से स्कूलों में छात्र छात्राओं के दाखिले की संख्या में तो काफ़ी सुधार हुआ है, परंतु कई आयामों पर हमें सफलता हासिल होनी बाकी है। RTE फोरम के अनुसार देश में एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां RTE के सभी प्रावधानों पर पूरा अमल हुआ हो। भारत का नाम अब भी उन देशों में शामिल है जहां शिक्षा के अधिकार होने के बावजूद सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। 2017-18 की NSSO की एक सर्वे के अनुसार 6 से 17 वर्ष के बीच की उम्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 3,22,00,000 है। हर 100 में से 29% बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने से पहले ही विद्यालय छोड़ देते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा वेस्ट बंगाल में ऐसे बच्चों की संख्या बाकी राज्यों की तुलना में काफ़ी अधिक है। अनेक गैर सरकारी संस्थाएं भी इसमें अपना योगदान दे रही हैं, परंतु फिर भी भारत का सभी के लिए शिक्षा का सपना पूरा होने में अभी समय लगेगा। सरकार और समाज को इसके लिए अपने प्रयासों में तेजी लानी होगी। कुछ शिक्षक गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर भट्ठे पर रहने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। मेरे लिए यह बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ा पाने में सक्षम हैं। आज भी बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। राइट टू एजुकेशन एक्ट ईंट भट्ठों पर कार्यरत बच्चों के लिए बेईमानी सिद्ध हो रहा है। मेरे शहर झज्जर में भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं। हरियाणा राज्य में झज्जर जिला भट्ठा किंग के नाम से जाना जाता है। जिले में फिलहाल 400 से अधिक ईंट भट्ठे हैं जिसमें लगभग 90,000 से अधिक कुशल एवं अकुशल मजदूर काम कर रहे हैं। यहाँ अधिकतर मजदूर बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से आते हैं। इन मजदूरों के बच्चे पूरा साल शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा की रोशनी से कोसों दूर ये सभी बच्चे कामगार माता पिता के साथ आबादी से दूर स्थापित ईंट भट्टों पर गुजर बसर कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच है विकास सर, जो कि एक एडुकेटर हैं। सर, आपको इन बच्चों को पढ़ाते हुए कितना समय हो गया? मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। हमें इन बच्चों को पढ़ाते हुए लगभग 4 महीने हो गए। तो सर, आपने कभी ऐसा फेस किया है कि आप इन बच्चों को पढ़ा रहे हो और इनके पेरेंट्स अंदर आके बोलें कि आप इनको पढ़ाओ मत, आओ तुम आके जैसे यहाँ पे अपना ईंट बनवाओ, तो क्या आपने कभी ऐसा फेस किया है? बिल्कुल मैडम, जब हम स्टार्टिंग में इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था तो जो इनके पेरेंट्स हैं बच्चों को उठा ले जाते थे, अब चल खड़ा हो ले काम करना है। शिक्षा के महत्व को ये नहीं जानते। इनका जो बेसिक कंसेप्ट वो ये है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे हमारी उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। हाँ सर, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इसे अलाउ नहीं करती। एक माँ बाप के कम से कम 4 बच्चे ज़रूर हैं, किसी किसी के साथ भी हैं। अच्छा। ये इसी कंसेप्ट के साथ रहते हैं कि हमारे जितने ज़्यादा बच्चे होंगे ना हमारी उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी।
सर, इससे हमारी पॉपुलेशन भी डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। तो आज हमारे बीच हैं कुछ बच्चे, तो चलिए अब इनसे मिलते हैं। आपका क्या नाम है? धीरज कुमार। धीरज कुमार, धीरज कुमार, आज आप कितने साल के हो? 9 साल के हो। क्या आप कभी स्कूल गए हो? नहीं। तो जो यहाँ पे आपके भट्टे पे जो टीचर्स आते हैं भट्टा पाठशाला के रूप में, आपको उनसे पढ़ के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। आप पढ़ के क्या बनना चाहते हो? पुलिस बनना चाहते हो, ईट नहीं पालना चाहता हूँ। अच्छा, आप पुलिस बनना चाहते हो, अपने माँ बाप की तरह ईट नहीं बनाना चाहते। हमारे बीच है मनोज सर, जो कि एक एडुकेटर हैं इनडेप्थ विजन फाउंडेशन से। तो सर, आपके मन में इन बच्चों को पढ़ाने का विचार कहाँ से आया? मैम, देश में बहुत सारी जनता ऐसी है जो स्कूल तक नहीं जा पा रही है। इनमें से भी 90% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। मैं एक टीचर हूँ। पिछले वर्ष भी हमने एक ऐसा ही प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसमें बच्चों को स्कूल तक लेकर के गए थे। तो इस बार भी हमारा मन है कि इस तरीके से भट्टा पाठशाला शुरू करें। जब तक स्कूल तक बच्चे नहीं पहुँच पाते, तब तक हमारा प्रयास है कि स्कूल बच्चों तक आए, और स्कूल को बच्चों तक लाने के लिए हमने ये एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है। मैम, सर, ये आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है, ये इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की एक स्टार्टिंग है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हर बच्चे को विद्यालय तक लाया जा सके। इसमें मिड डे मील, मुफ्त यूनिफॉर्म, किताबें, स्कॉलरशिप्स आदि शामिल हैं। सर, जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूरों के बच्चे हैं, उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा दिलवाने के लिए जो अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो क्या प्रयास कर रहा है? इसके लिए बेटा, हमारे स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं, उनका एक सर्वे हमने ABRCS के थ्रू और कुछ NGO से करवाया। 384 बच्चे हमारे पूरे झज्जर में ऐसे हैं जिनमें लेबर क्लास के हैं या कोई और किसी वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वो तो 16 स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर हमने चलाए हुए हैं, जिनमें से 9 बहादुरगढ़ में, 4 झज्जर में, 2 मातनहेल में और 1 बेरी में, जहाजगढ़ में। यानी 384 स्टूडेंट्स को हम समग्र शिक्षा के उससे एजुकेट कर रहे हैं। वो जिस क्लास के लायक है, मतलब एज अप्रोप्रिएट एडमिशन का बाद में हम करवा देते हैं। उसका एक ब्रिज कोर्स करवा के, उसके लिए कोई कोर्सेज है हमारे पास, वो ब्रिज कोर्स करवा के और जिस क्लास के लायक होता है, जिस एज के हिसाब से, उसी में उसका एडमिशन करवा दिया जाता है। साथ में उनको स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में बैग फ्री, स्टेशनरी फ्री, और उनके जो भी बैठने का या एक स्पेशल टीचर भी उनके लिए लगाया हुआ। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। वेलकम, गॉड ब्लेस यू, डूइंग गुड। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो दिन जल्द ही आएगा जब हर बच्चा शिक्षा के अधिकार को सही मायने में प्राप्त कर सकेगा और अपने भविष्य को सुधार सकेगा, क्योंकि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी। घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे, पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बनके तारे।